हेलो दोस्तों, मैं आज का जो एग्ज़ाम था ओ लेवल का, जिसका नाम था आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का सेट वन। पहला सेट का ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, इसका मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो यह है क्वेश्चन नंबर एक, जिसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कि आपके प्रेजेंटेशन में प्रिंटेड कॉपी जो है, प्रिंटेड कॉपी कौन से व्यू से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आउटलाइन व्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है दो नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉगिंग के लिए कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा इसमें से काम नहीं करता। तो ये ब्लॉगर काम करता है, टाइपफिट काम करता है, वर्डप्रेस काम करता है, इसके थ्रू से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन पिंट्रेस्ट जो है, ये एक तरह का सोशल नेटवर्किंग साइट का काम करता है, जिसमें फोटोज वगैरह हम इंसर्ट करते हैं। तो ये इसके लिए राइट आंसर है। फिर तीन नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें बोला गया है कि डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक डेटा स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, कि इसमें से कौन सा कमांड्स जो है जो डाटा को स्टोर करके रखता है लेटर यूज के लिए। तो इस पे मैक्रो से एक रिकॉर्डिंग टूल से, इसके थ्रू से हम डाटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट में है डैश इज फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिवर ऑफिस राइटर, लिवर ऑफिस राइटर के लिए कौन सा जो है फाइल एक्सटेंशन होगा। तो इसके लिए ODT है। फिर पांच नंबर क्वेश्चन बोला है कि अगर आपको CO2 टाइप करना है, जिसपे ये टू जो है उसके बेस में रहे, तो हम पढ़े थे बेस के लिए होता है आपका सबस्क्रिप्ट, अगर ऊपर के लिए ऐसा रहता है एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट होता। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा सबस्क्रिप्ट, सी नंबर। इसके बाद छः नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज डिफॉल्ट मार्जिन इन लिवर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, लिवर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है। तो उसके लिए डिफॉल्ट मार्जिन होता है एक, जनरली MS Word के लिए 0.5 होता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर। फिर सात नंबर में बोला है इन द बिगनिंग डैश वॉज मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, तो वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। फिर आठ नंबर क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू ऐड ए स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप जो है कौन से बटन को प्रेस करोगे। तो फाइल, एड ए न्यू स्लाइड, ठीक है, फाइल से आप नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, तो पावर पॉइंट के लिए जानते हो आप .PPT, HTML HTML फाइल के लिए, ये MS Word फाइल के लिए, ये JPG इमेज के लिए है, ठीक है। हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एच मैक एड्रेस, इस पे एड्रेस होगा आपका मैक एड्रेस। इफ यू वॉन्ट टू योर लोगो इन द सेम पोजिशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली, देन इंसर्ट इन हैंड आउट मास्टर, इसमें हेडर एंड फुटर एक्टिव होता है, हेडर फुटर में आप कोई भी चीज इंसर्ट करो तो आपके सभी पेज में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा हैंड आउट। फिर विच डिफॉल्ट लोकेशन टू सेव लिवर ऑफिस में जो है, बाई डिफॉल्ट आप जब सेव करते हो तो कौन से लोकेशन में सेव होता है, तो इसमें होता है आपके डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यू कैन असाइन टू एन एक्शन बटन और स्लाइड ऑब्जेक्ट, आप जो है कौन से स्लाइड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन से आप अपने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो है आपका हाइपरलिंक। फिर 14 नंबर में है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, स्लाइड के लिए ट्रांजिशन होता है, टेक्स्ट के लिए एनिमेशन। फिर 15 नंबर में है सेल C2 इज टू C7 की रेंज में डैश सेल शामिल है, C2 मतलब 2 से 7 के बीच में कितने होंगे, 6, 1 होता तो 7 होता। कि डैश इज बिंग यूज बाय द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, में से जो कौन सा टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर है रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि स्मॉल रेंज के लिए ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट
है ये फ्लेम इजन, फ्लेम एक क्या है, ठीक है। तो एक जो है ये मैसेज एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, फ्लेम एक टेक्निक है, ये जनरली आपके आउट ऑफ सिलेबस है या सब बुक में आपका नहीं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपके इनपुट डिवाइस का है ये OCR स्टैंड्स फॉर, तो OCR का आप जानते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसके लिए राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट ऑफ टोन ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, जिस पे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट होता है या बाय डिफॉल्ट होता है टाइटल स्लाइड। फिर IP एड्रेस वर्जन 6, IP एड्रेस वर्जन 6 कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स। IPv4 जो है 32 बिट का होता है, लेकिन यहाँ पे 128 राइट है। फिर फायरवॉल इज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी, एक तरह का सिक्योरिटी है, वायरसेस या थ्रेट से बचाने के लिए एक सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में होता है। फिर इन कंप्यूटिंग स्प्रेडशीट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैन बी रिप्रेजेंट एज, एब्सोल्यूट सेल भी इसमें वैल्यू को फिक्स करने के लिए रो और कॉलम के सामने में डॉलर लगते हैं, तो यहाँ पे ये तो नहीं हुआ, ये मिक्स रेफरेंस है, ये भी मिक्स रेफरेंस है, ये रिलेटिव है, सेल रेफरेंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट में है कि डॉटेड एरिया इन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड, कोई भी स्लाइड के एम्प्टी एरिया में डॉटेड जो लाइन होता है बॉक्स बॉक्स जैसे, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। एक्सटेंशन ऑफ लीवर ऑफ इस कैलकुलेटर या कैल्क, इसके लिए होता है ODS। फिर 25 नंबर में है डेस इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू कंपोज फॉर्मेट एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट, जहां पे डॉक्यूमेंट वर्ड आ जाए वो आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट अगर आए तो वो होगा एक्सेल शीट। फिर ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसके लिए राइट आंसर तुम्हारे सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर नेक्स्ट पेज 27 नंबर पे द हैंडआउट मास्टर कंटेन प्लेस होल्डर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टाइटिल, ठीक है। टाइटिल छोड़ के उस पर साइड नंबर होता है, फूटर होता है, हेडर होता है, टाइटिल नहीं होता। फिर 28 नंबर में स्प्रेडशीट इज नॉट यूज फॉर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पावर पॉइंट यूज होता है, तो ये इसके लिए राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट पे है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू, इसमें से जो है किसका यूज जो है स्लाइड शो के टाइम में प्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं होता, तो इसके बटन से ये एग्जिट हो जाता है और प्ले नहीं होता, तो ये इसके लिए राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट में है 30 नंबर में हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रेलवे रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवे, ठीक है, रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है, तो ये है आपके IRCTC। फिर नेक्स्ट फाइल का वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्ले, फाइल नेम कहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो उसके टाइटल बार जो कोई भी डॉक्यूमेंट के टॉप सेंटर पे होता है। फिर विच एमोंग इज द फॉलोइंग नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इसके लिए डिजिटाइजर है, ये बाकी तीन जो है पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग डिवाइस है। फिर इसके बाद है फॉर्मेट कैन बी सेव इन लिवर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए हम जो है किसको नहीं सेव कर सकते, तो XML कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, MP3 को हम इस पर सेव नहीं कर सकते लिवर ऑफिस में, ऑफिस वर्क के लिए। फिर व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैलकुलेट एवरेज इन लिवर ऑफिस कैल्क, तो इसके लिए ये वाला आपका राइट फॉर्मूला है, इसके आगे ऐसे इक्वल टू लगता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा है, तो ये तो ISP है एयरटेल, ये नहीं होगा। BSNL भी ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और Jio भी ISP है, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, डक डक गो एक तरह का वेब ब्राउजर है, ठीक है। फिर इसके बाद है व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो ये क्या है विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो, स्लाइड शो के टाइम में जो विजुअल इफेक्ट दिखता है डिफरेंट डिजाइन का, तो उसके लिए जो यूज होता है उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं, ये पावर पॉइंट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स, यानी फ्री वाला सॉफ्टवेयर, कौन सा जो है इसमें से फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, तो हमको फोटोशॉप के लिए पैसा देना पड़ता है, ये तो नहीं है, इसके लिए देना पड़ता है, ये भी नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग भी ऑफिस पैकेज के अंदर में आता है, वो सारे क्लोज सोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्काइप जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फिर उमंग ऐप हेल्प टू अवेल द सर्विस सच एज, उमंग ऐप से हम इन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो हम इसके लिए इनकम टैक्स फिल कर सकते हैं, बुकिंग ए गैस सिलेंडर यूज कर सकते हैं, मेकिंग आधार एंड PPF फंड को कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उमंग में आप डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो इसके लिए क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर नेक्स्ट में है विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट रिलेटेड हिंट्स ऑफ ए स्लाइड, हिंट्स को इंसर्ट करने के लिए आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, तो नोट मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट में इफ यू वांट टू शेयर ए डॉक्यूमेंट एंड यू वांट टू पीपल टू जस्ट सी इट एंड नॉट एडिट इन, देन हु शुड यू यूज,
ठीक है, अगर आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हो और उसको सिर्फ वो देख पाए, यूज ना कर पाए, सॉरी कोई एडिट ना कर पाए, देख पाए बस, तो उसके लिए पीडीएफ होता है, पीडीएफ में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाते। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शो वैल्यू एज ए सर्कल सर्कुलर सेक्टर ऑफ द टोटल सर्कल, तो कौन सा चार्ट में जो है ऐसे गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर में वैल्यू दिखता है, तो वो कौन सा है, वो है पाई चार्ट 42। फिर नेक्स्ट पे 43 क्वेश्चन में ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडिट एंड ऑफ द आउटगोइंग ईमेल्स, तो इसके लिए सिग्नेचर, सिग्नेचर जब आप इंसर्ट करो तो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडिट हो जाते हैं। फिर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए विंडो परचेस करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेंड मनी ओवर UPI, कौन सा मेथड का यूज होता है, तो इसके लिए होता है VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसमें आपके ये मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड सब आते हैं। फिर 46 नंबर में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अपियर ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट के ब्लर पीछे में जो ब्लर टेक्स्ट होता है या घोस्टे टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वाटरमार्क बोलते हैं। ये MS Word का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इंटरनेट का एक ऑप्शन है जिसमें एक वर्चुअल स्टोरेज लोकेशन होता है जो कि आपके सर्वर में होता है और ये सब इंटरनेट पे होता है। फिर 48 नंबर में लिखा है विच ऑप्शन कैन बी यूज सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए रिहर्सल एक ऑप्शन है जिसपे कस्टम टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। द एक्टिव सेल इज M10, इफ यू प्रेस एंटर की देन यू विल रीच M10 में, अगर रहोगे एंटर की अगर करोगे तो आप M11 में पहुंचोगे। अगर टैप बटन प्रेस करने से क्या होगा, M10 से सीधा आप M10 में पहुंच जाओगे टैप बटन से, लेकिन अगर यहाँ पे एंटर बोला है मतलब ये एक सेल डाउन आएगा। फिर इसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड इज मेनली डेवलप्ड, एंड्रॉयड आप तो जानते हो मोबाइल के लिए है। फिर व्हाट डज भीम स्टैंड्स फॉर, भारत इंटरफेस फॉर मनी। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आर अवेलेबल इन, ये फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, एडिट में होता है कट कॉपी पेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोशल साइट, इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है, तो वो है अमेजॉन, एक अमेजॉन ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर है। ट्विटर जो है जनरली सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन जो बिजनेस प्रोफाइल बनाता है। फिर नेक्स्ट पेज 54 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये तो ब्राउजर है, ये भी ब्राउजर है, ये भी ब्राउजर है, ये है आपका एयरटेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अंडो और रेडो का शॉर्टकट की है, तो अंडो का कंट्रोल जेड और रेडो का कंट्रोल वाई। फिर नेक्स्ट पे है फॉर बेटर रीडेबिलिटी इट फॉर फेवल दैट बुलेट पॉइंट आर, अच्छा से आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ पढ़ के पॉइंट टू पॉइंट अगर बनाना है तो बुलेट जो है शॉर्ट फ्रेज और पार्शियल सेंटेंस के लिए यूज होगा। फिर द डेस्क इज हैंडी टूल दैट अलाउ यू टू क्रिएट प्रेजेंटेशन क्विकली, तो टेम्पलेट एक बना बनाया टूल होता है जिसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेसमेंट करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। विच टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिवर ऑफिस, लिवर ऑफिस में कितने टाइप के, कौन से टाइप पेज ओरिएंटेशन होता है, तो दोनों होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे जिसका हाइट ज़्यादा हो, विथ कम हो, लैंडस्केप में विथ कम हो और सॉरी विथ ज़्यादा हो, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होगा और विथ कम होगा, लैंडस्केप में विथ ज़्यादा होगा और हाइट कम होगा। फिर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इज फ्रेड सीट, इसमें A1 होता है जिसमें A कॉलम और 1 जो है रो। फिर द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, एक तरह का पेमेंट सिस्टम है जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया हुआ है। फिर प्लेसिंग द माउस कर्जर ओवर एनी आइकॉन ए स्मॉल बॉक्स कॉल्ड विच गिव्स ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ आइकन, टूल टिप्स, टिप्स जो डिस्प्ले होता है। फिर एक पेटाबाइट PB, PB इक्वल टू कितना GB होता है, तो अगर यहाँ पर TB होता तो 1024 होता, लेकिन PB है तो 10 आपकी GB होगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो परफॉर्मेंस मॉनिटर, मॉनिटर परफॉर्मेंस करने का इसका काम नहीं है, ये सारे इनपुट आउटपुट तो इस पे आ जाता है, सुपरवाइज करता है, जॉब कंट्रोल करता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू कंप्यूटर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, स्कैनर करता है, अगर सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी होता तो प्रिंटर होता। फिर WLAN का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इन विच मेनू द ऑप्शन टू ऐड कमेंट इन लिवर ऑफिस, कमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब का यूज होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड सेल एड्रेस, तो हमेशा सेल एड्रेस में जो है कॉलम पहले होता है फिर रो बाद में होता है, तो इस पे तो ये राइट है,
जेड है 249, ये भी राइट है, ये रॉन्ग है क्योंकि इस पे कॉल रो पहले है और कॉलम बाद में, ये भी राइट है M54, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फिर HTTP://www.google.com और इधर स्लैश अगर डोमेन नेम सॉरी एड्रेस और इधर HTML का एक्सटेंशन अगर हो तो ये क्या है, एक URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये प्रोग्राम फार्मूला इज बेसिकली फंक्शन, ये एक्सेल का क्वेश्चन है, बहुत सारे फार्मूला एक फंक्शन पे होते हैं, ठीक है। एड्रेस इज ए कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइस दैट इंक्लूड कलर फॉन्ट एंड स्पेशल इफेक्ट, कलर फॉन्ट और इफेक्ट का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, थीम। फिर नेक्स्ट पे इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट प्रेजेंटेशन इनटू वीडियो और PDF, ये में भी हो सकता है, वीडियो वीडियो तो इसको बना सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं, यस ये राइट है। फिर नेक्स्ट पे है कि व्हेन यू कंडक्ट ए वाट टाइप एनालिसिस यू विल चेंज स्पेसिफिक वैल्यू टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन रिजल्ट, वाट इज द टर्म ऑफ वैल्यू यू विल चेंज, एज्यूम सम वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है इन ए कॉलम्स कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक ऑफ सेल, बहुत सारे ब्लॉक ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, रेंज, बहुत सारे सेल के ग्रुप को रेंज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फिर कौन सी ई कॉमर्स विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स, जनरली ये चारों भी ई कॉमर्स है, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, फिर बिजनेस टू कस्टमर, अल्फा टू कस्टमर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है, और एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स है, लेकिन इस पे ये सबसे लिस्ट है तो ये आएगा इसका राइट आंसर अल्फा कॉमर्स, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम बोथ के लिए यहाँ पे नाउ है, अगर सिर्फ डेट होता तो टुडे होता, आज का डेट के लिए टाइम के लिए टाइम, डेट के लिए डेट, नाउ करोगे आज का डेट एंड टाइम आपके पास आएगा इक्वल टू लगा के। फिर डैश इन लिवर ऑफ इस टूल दैट अलाउ टू अलाउ अस टू प्रोड्यूस मल्टीपल डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए सिंगल डॉक्यूमेंट यूजिंग डाटा सोर्स, तो इसके लिए है मल्टीपल लोगों को मेल करने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज होता है। स्प्रेडशीट डाटा कैन बी व्यू इन द फॉर्म ऑफ चार्ट एंड ग्राफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट गेट प्रोपोगेटेड थ्रू नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज लाइक SMS, ब्लूटूथ, वायरलेस मीडियम, USB, इंफ्रारेड आर इफेक्टेड थ्रू मल्टीमीडिया फाइल्स, इसके थ्रू से हम गेट बैक पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके लिए है IC, सेकेंड होता तो ट्रांजिस्टर, फर्स्ट होता तो वैक्यूम ट्यूब, और फोर्थ होता VLSI जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, तो इस पे राइट आंसर है IC। फिर Why is one time password is safe? क्यों one time password safe है? क्योंकि हर टाइम ये डिफरेंट आता है, जितना बार आप एसेस करो डिफरेंट आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये ड्रॉइंग के लिए अपन ऑफिस कैलकुलेटर, लिवर ऑफिस कैलकुलेटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ AI, इनमें से कौन सा AI एप्लीकेशन नहीं है, तो इसके DBS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैटबोट, लीडर, फेस रिकॉग्निशन, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। फिर हाउ मेनी स्क्रोल बार विल अपियर व्हेन जूमिंग 300%, तो इस पे दो स्क्रोल बार आएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो इसके लिए मार्टिन कूपर, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कैन नॉट बी टाइप इन टू ए स्प्रेडशीट सेल, कौन सा टाइप का डाटा आप स्प्रेडशीट सेल में नहीं लिख सकते, तो MP3 कैसे लिखोगे, म्यूजिक है, अर्ली आपको उसमें फॉर्मूला टेक्स्ट और नंबर लिख सकते हो। फिर एनी एक्सप्रेशन दैट बिगिंस विथ इक्वल टू साइन, इसके लिए है फॉर्मूला। इन स्प्रेडशीट लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट, लेटर किसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, कॉलम विच, अगर यहाँ पे नंबर होता तो वो होता रो। विच अ मेनू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन ए स्लाइड, यहाँ पे टेक्स्ट पूछा है, ठीक है, तो इसके लिए आएगा एनिमेशन, अगर स्लाइड बोलता तो ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक फाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड, ऑनलाइन पेमेंट मोड बोला यहाँ पे NEFT, ठीक है, NEFT एक मनी ट्रांसफरिंग फीचर इंटरनेट बैंकिंग में यूज होता है। प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज, प्रेजेंटेशन क्या चीज के लिए होता है, तो नोट आउटलाइन फॉर ए टीचर, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट, तो ऑल ऑफ दिस सब राइट है। द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इन प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड,
हम जो है इस पे साउंड इंसर्ट कर सकते हैं, मूवी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये दोनों का बहुत, व्हाट इज डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लिवर ऑफिस, तो इसके लिए लैंडस्केप है। अगर एमएस वर्ड होता तो पोर्ट्रेट होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिवर ऑफिस, तो ये रीडेबिलिटी, रीड नहीं कर पाओगे अगर सिग्नेचर उस पर इंसर्ट ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजिन, तो गूगल, ये तो ब्राउजर है, ये भी ब्राउजर है, ये भी ब्राउजर है, इसमें गूगल जो सर्च इंजिन है, ठीक है। नेक्स्ट, माई डेस्क अलाउ यूजर टू सेंड ए फाइल विथ ई मेल, अटैचमेंट, ई मेल के साथ कोई फाइल भेजना है तो आप अटैचमेंट का यूज करते हो। सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ सम अदर नेम यूजिंग सेवेज ऑप्शन, तो रिप्लेस हो जाएगा इस पर करेंट डॉक्यूमेंट, और नया नाम से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसके लिए ये नहीं होगा, इसके लिए बी होगा, लीव करेंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, ठीक है। वर्तमान डॉक्यूमेंट बरकरार रहता है और एक नया डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है, प्रोग्राम दैट इज यूज टू बी वेबसाइट इज कॉल्ड ब्राउजर, ब्राउजर के थ्रू से आप वेबसाइट देखते हो। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन है, आप मैच कर लीजिए, आपके एग्जाम के बेस पे कितना मार्किंग आपको आया मेरे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।